लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं प्रीति जी से। प्रीति दिल्ली में अपने उत्साह और अपने जुनून के चलते एक अध्यापिका हैं। उन्होंने अध्यापन का कार्य धन अर्जन मात्र के लिए नहीं चुना, अपितु उनका मानना है कि शिक्षा ही वो जन उद्धारक बूटी है जिससे सजीव समाज का निर्माण होगा। 12 जून 2020, बाल श्रम निषेध दिवस। तो बेटा, आप बड़े होकर क्या बनोगे? और प्रश्न सुनकर उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, मानो कह रहा हो कितना भोला है ये आदमी, मुझे बड़े होने में अभी कोई कसर है। 4 जन का परिवार चलाता हूं अपनी कमाई से, और ये कहता है बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। फिर मुस्कुराता हुआ अपने ही जैसे दो और छोटू को देखकर कहता है, क्या टाइम खोटी कर रहा है ये। ऐसी बहुत सारी कहानियां हम हर रोज अपने आसपास घटित होते देखते हैं। लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पेश कर रहा हूं 2 कविताएं जो हमें भेजी हैं प्रीति गुरनानी ने। दोनों ही कविताएं बाल श्रम को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं। पहली कविता, बचपन। न शरीर पर कपड़े, न पाँव में जूते, न आंखों में आंसू, न होठों पर हंसी, न कुछ पाने की चाहत, न कुछ खोने का गम, है एक बचपन ऐसा भी जो रहता है इस शहर की सड़कों पर अकेले, बेधड़क घूमता हुआ, जानते हैं सब, मानते हैं सब, हक तो उसको भी है पढ़ने का, सपने देखने का, पर मेरी तरह सब जानकर भी रह जाते हैं अनजान, खामोश है एक ऐसा भी बचपन। उनकी दूसरी कविता है खामोश बचपन। वो सिर पर बोझ उठाता, वो नन्हे हाथों से भीख मांगता, वो फुटपाथ पर कचड़ा उठाता, वो चूड़ी पटाखे बीड़ी बनाता, वो बर्तन धोता, वो टेबल साफ करता, वो हम उम्र बच्चे के बस्ते का बोझ उठाता, वो अपनी शांत निगाहों से ये पूछता, क्यों मैं स्कूल नहीं जाता, क्यों मैं पार्क में नहीं खेलता, कहाँ है मेरे तन के कपड़े, कहाँ है मेरे हाथ के खिलौने, पर खामोश हैं सब उसके खामोश बचपन की तरह। मुझे याद आती है एक कविता जो मैंने बरसों पहले चौक पर खड़े एक भीख मांगते बच्चे को देखने के बाद घर लौट कर लिखी थी। सपना खरीदेगा, सोचता हूं उसने किस खूंटी पर टांगे होंगे अपने सपने। रास्ते पर खड़ा पैसों को रुपए बनाता रहा है, हर ठोकर को नकारता रहा है। मुझे आज गाड़ी में बैठा देखकर बोला, सलाम साहब। मैं चुप रहा कुछ देर, फिर उसे 8 आने दे दिए। उसने फिर कहा, सलाम साहब। सोचता हूं 8 आने से वो कौन सा सपना खरीदेगा।